सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 26 हमारी करिकुलम पेडागॉजी एंड एवेल्युएशन के सीरीज़ का, और आज हमारी करिकुलम पेडागॉजी एंड एवेल्युएशन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे वीडियोस बना दी है, अपलोड कर दी, और इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट जो है वो भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है बेसिकली एक्शन रिसर्च। तो देखिए, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे सीखें। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे नहीं सीख पा रहे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया कि बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोसेस में, जैसे टीचर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसका हमें मेन कॉज निकालना होता है, बेसिकली वो होती है एक्शन रिसर्च। तो देखिए, आगे हम और जानेंगे कि इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला, सॉल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम, यानी जो आसपास की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हमें सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में ना जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, एक एरिया में बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मतलब उसके लिए हम ये देखेंगे कि क्यों नहीं बच्चे आ पा रहे, ऐसा क्या रीज़न है कि इसी एरिया के बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे। तो इससे एक्शन रिसर्च से लोकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साइंटिफिक मेथड है ये, ठीक है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च, जैसे प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, उसे एनालाइज करना है, फाइंडिंग्स निकालनी है, और फिर सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं। उसके बाद है, इसमें लोकल तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सपोज़ बच्चे, लड़कियाँ स्कूल नहीं आ पा रही हैं, क्यों नहीं आ पा रही है, हमने आइडेंटिफाई करा कि वहाँ पर मे बी एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है गर्ल्स के लिए सेपरेट, तो हम लोकल मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम सॉल्वर्स अभी डिपेंड करते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितने लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। पहले एक्शन और रिसर्च इसमें साथ साथ चलती है, पहले हम रिसर्च करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उस पर फिर एक्शन करते हैं हम। स्पायरल रूट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले हम प्लान, स्पायरल क्या होता है, देखिए स्पायरल होता है ऐसे जो चलता जाए गोल गोल, ठीक है, मतलब ये कभी ख़त्म ना हो, जैसे नोटबुक्स वगैरह भी स्पायरल नोटबुक्स आती है ना वो, तो हम पहले प्लान करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे लागू करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वापस हम प्लान करेंगे फिर एक्ट करेंगे, और नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये साइकिल जो है हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद है हमारा पर्पस, कि क्या हमारा पर्पस है एक्शन रिसर्च का, क्या होगा इससे। सबसे पहला है जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ नॉलेज पता चले, मेन टॉपिक के बारे में हमें प्रॉब्लम पता चले, और वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या उसके कॉजेज़ हैं ये पता चले। लॉजिकल कॉम्पिटेंस, इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स अराइज कहाँ से हुई, मतलब जड़ से उखाड़नी होती है प्रॉब्लम। स्ट्रेंथनिंग द स्कूल कल्चर, स्कूल के कल्चर को इन्हांस करना, स्कूल की स्टेटस को इम्प्रूव करना, स्कूल की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना काम होता है। फिर है बिल्डिंग प्रोफेशनल कल्चर, प्रोफेशनली भी जैसे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, बच्चों को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टीचर इफेक्ट हो रही है, तो इससे क्या होता है प्रोफेशनल कल्चर भी हमारा इन्हांस होता है। फेसिंग सोसाइटल चैलेंज, सोसाइटी को क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे हम ओवरकम करें वो हमें पता चलता है एक्शन रिसर्च के थ्रू। मीन्स ऑफ इंजेक्टिंग एडिशनल अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग, इससे हमें नए टीचिंग लर्निंग का मोड मिल जाता है कि अब हम नए तरीके से पढ़ाएंगे, थोड़े चेंजेस अभी आते हैं। अब देखो, तीन टाइप्स की होती हैं एक्शन रिसर्च, इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, या स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च। सपोज एक क्लास है और उसमें एक बच्चा है, वो कितनी भी उसे मतलब कुछ भी किसी भी मेथड से पढ़ाओ वो नहीं मार्क्स ला पा रहा, तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की टीचर है, क्लास टीचर उस पर रिसर्च करेगी। या तो ऐसा हो सकता है कि कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च में कि दो तीन क्लास है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, या मे बी उनके बीच में बन नहीं रही, बच्चे लड़ाई करते हैं, तो कई सारे टीचर्स मिलके जिन जिनकी क्लास के बीच में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ कोई प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल मिलके जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए, तो वो कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च हो गई। अब है स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च, मतलब एक स्कूल में प्रॉब्लम है, बच्चे मैथ्स की टीचर की कंप्लेंट कर रहे हैं, साइंस की टीचर की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पूरे स्कूल की पर्टिकुलर अगर एक प्रॉब्लम होती है तो वो हो गया स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हमें ये देखना है एक बच्चा है उसे पढ़ा रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा, या उसके मार्क्स नहीं आ रहे, या अटेंशन नहीं ले, अटेंशन पे नहीं कर रहा। फिर है बैकग्राउंड एंड द नीड ऑफ सोसाइटी, क्या सोसाइटी की नीड है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा तो क्या ज़रूरत है उसे पढ़ाने की, हाँ ज़रूरत है। अगर वो बच्चा बात नहीं कर रहा बाकी बच्चों से तो हम पहले ये देखेंगे कि ज़रूरत है हम उसे बाकी बच्चों से इंटरेक्शन कराएं, तो क्या इस चीज़ की कोई ज़रूरत भी है या फिर हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये होता है बैकग्राउंड एंड द नीड ऑफ सोसाइटी। फिर है आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च करेंगे तो बच्चों से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिस बच्चे की ये प्रॉब्लम है कि आपको लेसन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, या फिर और कोई स्टूडेंट है, क्या कोई बीमारी है आपको, या घर की कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसे हम क्वेश्चंस उससे पूछेंगे। फिर कलेक्शन डाटा, फिर डाटा को जब वो हमें मिल जाएगा क्वेश्चन पूछने के बाद, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, फिर हमें एक कंक्लूजन पे आएंगे और एक कुछ ऐसे स्टेप्स बनाएंगे जिससे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम वापस वर्क करते हैं, क्या पता हमने गलत तरीका अपनाया हो सॉल्व करने का प्रॉब्लम, कोई और तरीका भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट कैसे तैयार करें, यह आप लोगों की मेन जो है फ़ाइल आती है, इसमें एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनती है, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ मैं, फ़ाइल्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, फ़ाइल्स एंड असाइनमेंट नाम से प्लेलिस्ट होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह आप दे दो, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्शन रिसर्च के, क्या क्या आपने सैंपल कलेक्ट करे, क्या डाटा आपने कलेक्ट करा, डाटा को कैसे एनालाइज करा, क्या रिजल्ट आया, ठीक है, अब डाटा उसको आपने कैसे अप्लाई करा, लागू करा, क्या कंक्लूजन निकला, कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस ली, मतलब कि बच्चों के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे ठीक करूँ, कैसे ठीक नहीं करूँ, कहाँ से कहाँ से आपने रेफरेंसेस ली। फिर अपेंडिक्स हम लास्ट में लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्या टूल्स वगैरह यूज़ करें, अपेंडिक्स होता है क्या टूल यूज़ करें आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट है टीचर एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी टीचर कैसे करेगी एक्शन रिसर्च। सबसे पहले तो वो ही टीचर कर सकती है जो उस सब्जेक्ट में अच्छी हो, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है और एक ऐसी टीचर जो हिंदी पढ़ाती है और उसको मैथ्स का मे बी इतनी नॉलेज ना हो, वो नहीं कर सकती उस टॉपिक पे एक्शन रिसर्च। पेडागोजी उसे अच्छी आनी चाहिए, मतलब मेथड ऑफ टीचिंग उसे अच्छी आनी चाहिए, वो खुद अलर्ट होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज कर पाए कि कितने बच्चों को प्रॉब्लम है कितने को नहीं है, कितना 100 में से एक बच्चों को या 100 में से 99 बच्चे को प्रॉब्लम है, वो ये देखे, रिसोर्स को वो प्रॉपर यूज़ कर पाए, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, क्योंकि लिखना पड़ता है हमें अपनी क्या कहते हैं रिजल्ट या फाइंडिंग्स हमें लिखनी होती है। और फिर रिसर्च रिलेटेड अदर कॉम्पिटेंसीज, वो और रिसर्च वगैरह में या बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन अच्छे से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, अगर हम एक ऐसी टीचर को लेंगे तो ही हमारी एक्शन रिसर्च अच्छे से जाएगी। अब देखिए क्या एडवांटेजेस हैं एक्शन रिसर्च की, सबसे पहला तो है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, साइंटिफिक मेथड से होगी, टीचर की ग्रोथ होगी, स्कूल की और टीचर्स की इमेज डेवलप होगी, बच्चों का भी मोराल बूस्ट होगा जब उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप इसमें रहता है, और एक स्कूल का जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे सबसे पहला ये एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें रिसर्च वगैरह होती है, टूल्स वगैरह का इसमें यूज़ होता है, कोलैबोरेशन वगैरह होती है, तो एक्सपेंसिव होता है, कभी कभी फाइंडिंग जर्नलाइज नहीं हो पाती, एक बच्चे की प्रॉब्लम मे बी जिस मेथड से सब बच्चे सीख पा रहे हैं एक बच्चा नहीं सीख पा रहा और हमने वो मेथड चेंज कर दिया तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग, जैसे अब इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द कॉस्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, यानी कि जब हम एक ही बच्चे पे फोकस करेंगे और उसकी उसी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमारा बाकी सिलेबस टूट जाएगा, तो क्लासरूम टीचिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वैलिडिटी चैलेंज की, मतलब जो हम अप्लाई कर रहे हैं नए तरीका, क्या वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, कुछ टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं होता रिसर्च का और वो अगर एक्शन रिसर्च करे तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखो टीचिंग और रिसर्चिंग रोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जैसे रिसर्चर्स हैं वो उनके ओपिनियंस और टीचर जो मेन हेड है जो लीड कर रही है उनके बीच में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना एक्शन रिसर्च क्या होती है, क्या प्रोसेस है उसका, स्टेप्स हैं, टीचर कैसे एक एक्शन रिसर्च को लागू करेगी, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।